दोस्तों, मैं हूं आपका अपना संस्कारी सुमित, और आप देख रहे होंगे लुक वही है सेम जो हमारी EW और एसेसरी वाली वीडियो में था। तो दोनों वीडियो मैंने साथ में बनाई है, साथ में इकट्ठी करता क्लब करता बहुत लंबी हो जाती, तो मैंने दोनों वीडियो को अलग अलग कर दिया। इस वीडियो में जैसे सवाल उस वीडियो में मैंने बताए थे, इस वीडियो में भी वैसे सवाल है। लोग देखिए, आप पीछे देख रहे होंगे कि सीट्स में मेरे अभी जो प्लास्टिक है वो चढ़ी हुई है, तो लोगों को कई कमेंट आ रहे हैं, कई मजाक उड़ा रहे हैं, कई हंस रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई क्यों चढ़ा रखी है अब तक इस पे पॉली, क्या इसका रीज़न क्या है, टिपिकल इंडियन हो या क्या। तो इसके पीछे मैं अपना एक व्यू रख रहा हूँ, अगर आपको हो सकता है आपको ये सही लगे, हो सकता है गलत लगे। तो मैंने ये अब तक क्यों चढ़ा रखी है पन्नियाँ, देखिए हर कोई सेफ्टी चाहता है, और इस पर मैंने अब तक सीट कवर क्यों नहीं चढ़ाया। ये इस समय RXL है जिसे अभी 2 महीने कंप्लीट हुए हैं, जो RXT है उसे 5 महीने हो चुके हैं, और उस पर भी अभी मैंने सीट कवर नहीं लगाया। तो बेसिकली जो वीडियो है ये वही है कि सीट कवर कब लगवाएं, मेन टॉपिक है सीट कवर कब लगवाएं, और साथ में जो आजकल चल रहा है फ्लोर मैटिंग, कोई इसे फ्लोर रैप बोलता है, कोई फ्लोर कवरिंग बोलता है, कोई सिर्फ फ्लोरिंग ही बोलता है, कोई फ्लोर लेमिनेशन बोलता है, तमाम उसके टर्म्स हैं, जिसको जैसा अच्छा लगता है वो बोल देता है। लेकिन जो बेसिकली दो ये टॉपिक है इस वीडियो में, एक सीट कवर का और एक वो फ्लोरिंग का। तो देखिए, सीट कवर कंपनी से हमारी आई हैं सीट्स, उस पर भी एक फैब्रिक चढ़ा होता है, बहुत पतला सा होता है मानता हूँ, ठीक है। लेकिन सीट कवर कब चढ़वाएं, सीधा आपने गाड़ी ली और जाके जैसे बकेट फिट आपने देखा है सीट्स का, ये फैब्रिक जो है इसकी स्टिचिंग फाड़ के और फिर बकेट फिट की जाती है, सीट कवर ऊपर लगाए जाते हैं, 10-10 हज़ार 12-12 हज़ार रुपये के सीट कवर ड्राइवर के ही लगाए जा रहे हैं। तो आप ये देखिए, सीट कवर कब लगाने हैं आपको। मेरी ओपिनियन है, जो सीट्स हैं वो फोम की होती हैं, फोम की बनी होती है, और फोम की जो टेंडेंसी होती है वो होती है कुछ समय के साथ जब वजन पड़ता है तो वो दबती है। अब क्या है, जैसे मैं सीट पे बैठा हुआ हूँ, 2 महीने हो गए, हल्का इसमें डिफॉर्मेशन आ चुका है, ठीक है। आप जैसे नॉर्मल सीट कवर्स लगवाते हैं, आपने नोटिस करा होगा कि जब भी आप सीट कवर लगा लेते हैं उसके 3-4 महीने बाद जिस जगह बैठते हैं वहां पर सलवटे सी आ जाती है, रिंकल्स आ जाते हैं और ऐसा फूला फूला सा लगने लगता है, ढीला ढीला लगने लगता है। जो फिटिंग आपने पहले कराई हुई होती है, जब आप करा के जाते हैं शॉप से, वो फिटिंग बाद में नहीं रहती। तो उसका जो है रीज़न यही है कि फोम की जो टेंडेंसी होती है वो कंप्रेस होने की है, दबती है हल्की फुल्की फोम। तो मेरी जो थिंकिंग है, जो मैं इसमें सीट कवर ये पॉली इसीलिए नहीं उतारी कि जब तक वो समय जाता है इसका, जब तक फोम अच्छे से कंप्रेस हो जाती है और मुझे लगता है अब सही समय है सीट कवर लगाने का, तब मैं इस जो ये प्लास्टिक है इसको उतार दूंगा, क्योंकि तब तक मुझे ये जितना हो सके मैं साफ रखने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, कुछ भी इस पे लगेगा गंदी तो होगी, कई लोग इसे कहेंगे कि नहीं प्लास्टिक अच्छी नहीं है इसे उतार दो, और बाकी ये गंदा ना हो, जो ये फैब्रिक है ये गंदा ना हो, इसीलिए हम सीट कवर तुरंत लगा लेते हैं। अरे भाई सोचो, आपने इस पे तुरंत सीट कवर लगा दिए, ठीक हो गया, सिर्फ इस डर से कि ये गंदा ना हो। अब जब भी आप कार सेल आउट करेंगे या फिर वो सीट कवर अगर आपके ख़राब हो गए, फिर से आप दोबारा सीट कवर लगा लेंगे नए, तो ये गंदे होंगे कब। इसको आपने बचा के किया क्या, इसको सेफ करके आपने क्या किया, ये तो है नहीं। जब आप कार बेचेंगे किसी को तो आप अपनी फ्रेश सीट्स दिखाने के लिए जो आपके सीट कवर हैं उनको आप फाड़ देंगे या उतार देंगे, और फिर आप फ्रेश सीट दिखाएंगे कि देखिए ये मेरी बिल्कुल सीट्स फ्रेश हैं। जैसे मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर प्रोटेक्शन लगाई जाती है, टेम्पर्ड ग्लास लगाए जाते हैं, तो मोस्टली लोग क्या करते हैं, आते ही टेम्पर्ड लगाया उस पर, जब बेचने गए तो वो उसे उतार दिया, लुक दिखाया, देखिए फ़ोन बिल्कुल फ्रेश है। तो क्या कार में भी आप ये करते हैं, नहीं ना। जो सीट्स हैं अगर वो रिंकल्ड हैं या क्रैक हो चुके हैं, सीट कवर पुराने हो चुके हैं, आप उसी कंडीशन में बेचते हैं, तो आपने इसे सेफ करके क्या किया, यही मेरा पॉइंट है। जब तक पॉली के थ्रू ये सेफ हो रहे हैं, कर रहा हूँ, अगर पॉली फट गई कोई इशू नहीं है, फट जाए, लेकिन और ये गंदे होंगे कोई इशू नहीं है, क्योंकि इसके बाद तो मैंने सीट कवर लगा ही लेना है ना, फिर तो ये एकदम से साफ दिखने लगेंगे, जो सीट कवर होगा वही लुक आएगा इसका, वही अप्लाई होता है। लोग
पूछ रहे हैं कि मैटिंग जो है, मैटिंग मैं लगाऊं या ना लगाऊं। आप ये मोटी सी बात समझिए कि आपने पूरी सीट्स खुलवाई, पूरी सीट खुलवाने के बाद फिर उसके ऊपर एक फैब्रिक लगवा लिया। अब वो रेगजीन है बेसिकली, कई दिन तक आप उसकी स्मेल झेलते हैं, जो उसमें स्मेल आती है। अब कुछ कहेंगे स्मेल नहीं आती, देखिए स्मेल आती है, ठीक है। कई दिन तक आप वो रखेंगे, आपने जो आप देखेंगे, जो आपका कंपनी की तरफ से मैटिंग आती है, जो फ्लोर पे लगा हुआ आता कारपेट, उसके नीचे बॉडी पे जो मेटल की बॉडी है जिसके ऊपर वो कारपेट है, वहाँ पर होल्स होते हैं कई। वो होल्स किस लिए होते हैं? जैसे कभी भी फ्लडिंग हो जाती है या आपकी गाड़ी पानी में से जाती है, तो उसके थ्रू, होल्स के थ्रू वो पानी निकल जाए। तो आप सोचिए कि जैसे आपका ये, आपने फ्लोरिंग लगवा ली, आपकी कभी पानी भरा या पानी में से निकली, उन होल्स के थ्रू उसमें पानी अगर अंदर चला गया और आपका जो ये कारपेट है, ये कारपेट ने पानी एब्जॉर्ब कर लिया, तो ये सूखेगा कैसे? आप सोचिए, क्योंकि ये एयर के कांटेक्ट में है ही नहीं। नीचे मेटल की शीट है, उसके ऊपर ये जो कारपेट है ये है, उसके ऊपर जो आपने बिछवाया है, इसमें लेयर लगवाई है, वो हो गया। तो बीच में ये भीगा हुआ कैसे स्मेल देगा और ये सड़ने लगेगा? लोग ये चीज़ नहीं समझते, वो गंदा पानी है, वो आया एब्जॉर्ब हुआ, आप ढूंढते रह जाओगे स्मेल कहाँ से आ रही है। स्मेल वो फ्रेशनेस वाली आएगी नहीं, कितनी भी आप क्लीनिंग करा लो या कुछ करा लो। और सेम चीज़ जैसे सीट कवर पे है, वैसे ही लोग कहते हैं वो प्रोटेक्शन होगी, उसकी प्रोटेक्शन होगी। अरे प्रोटेक्ट करके आप कर क्या रहे हो? आप क्या कर रहे हो प्रोटेक्ट करके, किसको दिखाओगे? वही चीज़ आ जाएगी, जैसे आप सीट कवर फाड़ के नहीं दिखाते, वैसे ही आप जो आपका वो फ्लोरिंग है उसे फाड़ के नहीं बेचोगे या उतार के नहीं बेचोगे, देखो हमारा फर्श कितना साफ है। तो आप उसे बचा के आप करना क्या चाह रहे हो? यही मेरे क्वेश्चन है और मेरे रीजंस जो ये सब ना करवाने के यही हैं। आपकी जो फ्लोरिंग है, अगर ये भीग जाती है, कुछ गिर जाता है, ये कम से कम आप धूप में इसे खोल के रखिए, विंडोज वगैरह को, वो हीट से सूख जाएगा और कोई भी उस पर दाग है वो साफ हो जाता है। लेकिन अगर पानी नीचे की तरफ से उसने एब्जॉर्ब कर लिया, तब वो कैसे सूखेगा? आपने पूरी सीट्स खुलवा दी, दोबारा से कसवा दी, जो भी आपकी साइड्स में बीडिंग है, उनका प्लास्टिक पैनल्स हैं, उनको खुलवा के अंदर जबरदस्ती उसमें पेचकस के थ्रू उसमें दबाते हैं, स्क्रू ड्राइवर से अंदर दबाएंगे और फिर आपको कह देंगे हाँ जी हो गया। कितनी जगह रिंकल आ रहे होते हैं उसमें, उसको भी कहते हैं ये धीरे धीरे हो जाएगा। आप कॉम्प्रोमाइज करके आ रहे हो चीज़ों पे, आपने 2,500 3,000 3,500 रुपये उसमें लगाए हैं और कॉम्प्रोमाइज करके आ रहे हो। इस चीज़ों का कोई फायदा नहीं है। आपकी जो थॉट है वो अच्छी है, आप सेफ करना चाहते हो गाड़ी को, लेकिन सबसे पहला पॉइंट है पैसों को भी तो सेव करना है आपने। आप गाड़ी को सेव कर रहे हो, लेकिन उसके चक्कर में आप पैसे बिना मतलब लगा दे रहे हो, बहा दे रहे हो। जो आपकी हार्ड अर्न मनी है उसको आप गवा दे रहे हो ऐसे ही, सिर्फ गाड़ी को बचाने के लिए। तो ये देखिए, जो फ्लोरिंग है किसी काम की नहीं है, इसी को, जो फ्लोर है आपका, इसी को मेंटेन करिए, साफ रखिए, साफ रहता है ये। अभी 1.5 साल से 2 साल से ये फ्लोरिंग स्टार्ट हुई है, उससे पहले तो फ्लोरिंग नहीं होती थी ना, क्या गाड़ियाँ नहीं रहती थी? तब भी रहती थी, तब मेंटेन की जाती थी गाड़ी। और दूसरा, ये वॉशिंग वालों के लिए, जो वॉशिंग वाले हैं उनके लिए सहूलत हो जाती है, वो बस गीला कपड़ा लगाते हैं और हो गया काम। वो कहते हैं एक्सेसरी वाले आपको कहेंगे, क्योंकि भाई फिटिंग भी आप दे रहे हो, प्रोडक्ट के भी दे रहे हो, 3,500 रुपये खर्च हो रहे हैं। तो इन चीज़ों के चक्कर में ना पड़े आप। सीट कवर, सीट दबने दें थोड़ा, उसके बाद आप सीट कवर फिट करवाएं, फिटिंग जो होगी बहुत अच्छी आएगी और फिटिंग जो है लॉन्ग लास्टिंग रहेगी उसकी। और कोई, कुछ लोग होंगे इसका बिल्कुल इनवर्स बताएंगे, मैं बता रहा हूँ कि अगर सीट दब गई और फिर आप वो करवाओगे, फिटिंग करवाओगे, तो सीट जो कवर है वो नहीं आएंगे। तो मैं उनके लिए ये बता रहा हूँ, वो कवर नहीं आते वो गलत है, वो जो फिटिंग है वो करने वाला फिटिंग नहीं दे पाएगा आपको, क्योंकि जो सीट कवर उसने बना दिए हैं वो फूली हुई फोम के हिसाब से जो फ्रेम बना के काट के स्टिच कर दिए हैं, लेकिन जब फोम दबेगी तब वो ढीले ढीले लगने लगते हैं। तो ये उसकी जिम्मेदारी है, अगर आपकी सीट्स दब गई हैं, फोम सेटल हो गया है, उसके बाद वो सीट कवर उस पर लगाए और उसको आपको फिट करके दे अच्छे से, जो आपकी हमेशा लॉन्ग लास्टिंग रहेंगी। और कहीं भी जितना ढीला होगा फोम में रिंकल्स आएंगे, वहीं से वो बैंड होगा, बैठने पे दबेगा और वहीं से वो क्रैक होने लगेगा, फटने लगेगा।
तो इसीलिए ये दोनों चीज़ें हैं, इन दोनों चीज़ों का ध्यान रखिए। मेरी ओपिनियन है, मैं बार बार ये बोलता हूँ, वो डिस्क्लेमर होता है, आपकी जो चॉइस है वो आप करवा सकते हैं, आपका पैसा है, जो करवाना है आप करवाइए, मेरी चॉइस है। मुझसे लोग पूछते हैं, इस लायक समझते हैं कि मैं उन्हें कुछ ओपिनियन दे सकता हूँ, तो मैं देता हूँ ओपिनियन अपनी। नहीं देखना आपको वीडियो, आप स्किप कर दीजिए, अगर अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक करिए, शेयर करिए। आपके जितने फ्रेंड्स के साथ अगर इन चीज़ों पर बहस हुई हो या पॉइंट ऑफ व्यू आपने दिया हो तो उन फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। कोई और इसी तरह के आपके क्वेश्चंस हों तो कमेंट कीजिए नीचे। और बस यही था, थैंक यू।